कुछ सुना तूने? क्या? आंगनबाड़ी प्रतियोगिता के बारे में? हाँ सुना है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अब हम भी जल्दी से अपना नाम लिखवा देते हैं। अरे हम किसी से कोई कम है क्या? लेकिन क्यों अम्मा, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत? अरे प्रतियोगिता जरूरत के लिए नहीं, जीतने के लिए खेली जाती है। अरे मेरा घर बढ़िया, मेरा पोता बढ़िया, मेरी बहू बढ़िया, फिर मैं क्यों ना जीतूं बढ़िया सा इनाम? लेकिन पूरे गांव के सामने। अम्मा मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों? अब तेरी हिम्मत को क्या हुआ? बहू डर डर कर जीना भी कोई जीना है? मैं हूं ना तेरे साथ, ये बाबूलाल है ना तेरे साथ, क्यों रे? अब अम्मा मुझे इस समय क्यों घसीटती हो तुम? तुम दोनों जो तय करोगी अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अम्मा फिर चलो मेरे साथ। चलो? कहाँ चलो? आंगनवाड़ी, वहाँ पे शबनम दीदी इस प्रतियोगिता के सारे नियम कायदे बताएंगी। अगर हमें जीतना है तो सब कुछ पता तो होना चाहिए ना। मगर सलोनी। तू फिक्र मत कर बाबू, जीतेंगे हम ही। हमारी इस प्रतियोगिता के जज, मेरा मतलब निर्णायक होंगे, हमारी नर्स बहन जी, हमारी सरपंच जी और हमारे गांव की पंचायत के एक सम्माननीय पंच। हमारे ये जज प्रतियोगिता से पहले आप लोगों के घर आकर आप लोगों का रहन सहन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप लोग अपना, अपने बच्चों का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी इस प्रतियोगिता के विजेता को जिला अधिकारी एक इनाम भी देंगे। पर शबनम दीदी, जज साहब हमसे पूछेंगे क्या? और हमारे घर आकर क्या देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है बिमला, बताती। इस खेल की पांच पंखुड़ियां छिपी हैं जिनमें जीवन के संदेश। जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम देखेंगे घर घर आकर हम। इस खेल की पांच पंखुड़ियां छिपी हैं जिनमें जीवन के संदेश। बीमारियों से लड़ता छह जानलेवा बीमारियां बहन जी। इना मीना टीका लगा क्या बच्चों को टीका? जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम देखेंगे घर घर आकर हम। दूसरी पंखुड़ी ये बतलाए बच्चों को क्या क्या खिलाए, कैसे सेहतमंद बताए। तिरंगा, बिल्कुल सही, सबसे फल और दूध पिलाती, बच्चे को क्या क्या खिलाती। जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम देखेंगे घर घर आकर हम। तीसरी पंखुड़ी चाचे पर खे, बच्चा जब बीमार हो घर पे किन चीजों को ध्यान में रखती, किन बातों को मान के चलती। जैसे बहन जी, जैसे जब बच्चे का चलता क्या पहले देना होता, तू क्यों चुप है जल्दी बोल। हाँ बहन जी, जीवन रक्षक बोल। इन बातों को जानो, कितना ध्यान में रखती हो तुम, कितना जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम देखेंगे घर घर आकर हम। चौथी पंखुड़ी ध्यान दिलाए सबको, बस ये बतला छोड़ के जाए। लगती है तू सयानी, मुझे बता तू ओ रानी, बर्तन में जब सड़े है पानी, घर में ना हो मच्छरदानी, तो कौन सी बीमारी आए? मलेरिया। बीमारी की शामत आई, रखती हो क्या साफ सफाई? जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम देखेंगे घर घर आकर हम। पांच
भी पंखुड़ी देखे चाचे, क्या खुद करते जो वो बाचे, माँ पर छोड़ा सारा भर, करे सिर्फ वो प्यार दुलार, या मर्द भी हाथ बटाए, बच्चों को पाले खिलाए, माँ के प्यार को कहे ममता, तो बाप के प्यार को क्या कहेंगे सलोनी, बाप पहला मुझे। आओ भैया आओ, कहाँ हो आए? चीनी मिल गया था। सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, आज सवेरे से मेरी दाई आंख फड़क रही थी। प्रभला, हमारे काम धंधे इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी की आंख फड़कने से मुश्किल में आ जाएं, समझी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भगवान ना करे कि कभी आपके काम को नजर लगे किसी की। मैं तो बस आज सवेरे से ना अभिमन्यु दिखाई नहीं दिया, इसीलिए। कुछ काम था उससे? नहीं भैया, खीर बनाई थी उसके लिए, बहुत पसंद है ना उसे, सोचा था अपने हाथों से परोस के दूंगी, पर कहाँ है वो? मंगत, अभिमन्यु कहाँ है? क्या हुआ तुम्हारे माथे पर पसीना? जीजा, वो माया के घर गया है। माया के घर अभिमन्यु? दुश्मनों को गले लगा रहा है अभिमन्यु लल्ला, वो भी दिन दहाड़े खुले हम। मैं तो कहती थी अपना खून अपना ही होता है, मार भी देता है तो छांव में फेंकता, फिर ये तो ओहो, ये मेरी आंख में ना फिर से फड़कने लगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पेड़ पे बैठी चिड़िया दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पेड़ पे बैठी चिड़िया दो। मेघ फटा और बिजली कड़की, बारिश की बूंदें पड़ी सौ। सरपट भागा माधो धोबी, घाट पे कपड़े सूखे दस। भागो भागो छतरी लेकर, दूर से देखो आती बस। कौन है? कौन है? कौन है? अपनी द्योड़ी पे तो कुत्ता भी शेर होता है, क्यों माँ जी? हमारे नसीब में तो सिर्फ खेत और चूल्हा, बस। मुझे तो ये प्रतियोगिता जीतनी ही है। हमारा महेश, मैं जीत की सोच रही हूँ और यहाँ हार का सब इंतजाम हो रखा है। प्रवीण को किसी घर के आदमी नहीं मारा है,
अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।